मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज कुछ ज़्यादा ही चंपू लग रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑयलिंग की है अभी अभी बालों में। एंड आज है थर्सडे या आज है थर्सडे। एंड आज इस बंदे की छुट्टी है साहेब की, तो ये वॉच कर रहा है इसकी कार की मूवीज़ जो भी आई है न्यू अभी। और देखिए आज हमारा घर कितना क्लीनी एंड हमने सेंटा भी बिछाया है। ऑलमोस्ट फॉल आ गया है और अभी सारे जो त्यौहार है स्टार्ट होते हैं, त्यौहारों का सीज़न। सो आज बिकॉज ऑफ छुट्टी है तो कुछ यमी तो बनाना ज़रूरी है, राइट? यस, व्हाट वी गोना मेक? व्हाट आई एम मेकिंग? पिज़्ज़ा। ओके, तो पिज़्ज़ा खाने का मन है, ऑब्वियसली मन होगा क्योंकि बहुत ठंड है। वैसे भी पिज़्ज़ा बच्चों को तो आप कभी भी दो उन्हें अच्छा ही लगता है, लेकिन हाँ आज बहुत ही ठंडा वेदर है तो पिज़्ज़ा ज़रूरी है। एंड हम बनाएंगे घर में ही पिज़्ज़ा, क्योंकि खाना बहुत है। कल मैंने पुलाव किया था तो वो भी है और हमसे इतना खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो है बच ही जाता है। यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको, एक्चुअली इसमें बनाया था मैंने। हमारे राइस है, बहुत अंधेरा है एक्चुअली यहाँ पे यार, ये देखिए। राइस है यहाँ पे, ये एक टाइम के हो जाएंगे अभी। और दिन में मैं इतना ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ, हाँ अगर कुछ बनाया तो मेरे लिए अगर बनाना हो तो ओट्स एंड उपमा यही बनाती हूँ मैं। ये है पिज़्ज़ा जो मैंने कॉस्को से लाया है। बहुत ज़्यादा सॉस है, लेकिन बच्चों को सॉस ही पसंद है, लेकिन मैं फिर भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है एक सा चीज़ डालूंगी, ये मेरे पास पड़ा है, और थोड़ी सी टॉपिंग्स। तो चलिए मैं टॉपिंग तैयार कर लेती हूँ। वैसे निकाल लिया है सारा सामान यहाँ पे, मशरूम, स्पिनच, अनियन एंड ये चिकन जाएगा। ये फ्रोज़न चिकन था, चिकन ब्रेस्ट, और कुक है तो मैंने निकाल के इसे बस माइक्रोवेव कर लिया है। एंड इसके छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। खाना ही है, फुल ऑफ वेज के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने पूरी स्पिनच डाली है, फिर चिकन डाला है, मशरूम डाला है, और फिर हम डालेंगे प्याज भी डाला है मैंने इसके ऊपर ना। आप अखे अखे गार्लिक रख दीजिए, थोड़े थोड़े ऐसे कट करके, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अभी गार्लिक पील नहीं करना और बहुत सारा सामान करना है मुझे, तो ये या फिर आप फिर ये गार्लिक की पाउडर मिलती है ये भी, या भी रेडी भी कर सकते हो घर में गार्लिक को ड्राई करके। मैंने रेडीमेड लाई है तो इसे हम थोड़ा सा डालेंगे, गार्लिक की फ्लेवर आ जाता है इसके ऊपर। डाल लिया, डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही ये, ताकि ये सारी वेजेस डाली है, चिकन डाला है इसके ऊपर। फ्लेवर नहीं है कोई भी, प्लेन चिकन था, चिकन ब्रेस्ट कुक वाली, वो डालिए। और डाल लिया फिर अनियन, तो मैंने डाला ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा अनियन का पाउडर है वो भी डाल लूँगी। ये पाउडर से जो है ना बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। डाल ली, अब बस हो गया। लेमन भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनता है, ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें डाल के। फिर ये सारी चीज़ें डाल ली है मैंने, अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीज़, ग्रेटेड चीज़ है मोज़रेला या। बाहर के पिज़्ज़ा भी अच्छे होते हैं, लेकिन अभी जो इंडियन स्टोर से जो मंगवाते हैं हम पिज़्ज़ा, उसके ऊपर कभी कभी बहुत ही गार्लिक होता है, बहुत ही धनिया होता है, तो धनिया या फिर अदरक होता है, सो वो बच्चों को नहीं अच्छा लगता। तो यश के लिए हम बस चीज़ पिज़्ज़ा मंगाते हैं। और जो डोमिनोज से है वहाँ पे दो फ्लेवर आप ले सकते हो, दो टॉपिंग, तो वहाँ से हम लेते हैं हमेशा चिकन एंड हेलिपिनो। बहुत ही अच्छा है कि सारी हेल्दी चीज़ें डालो और आप अपने पसंद से बनाओ। और सबसे ऊपर मैं ना ये एलिपिनो डाल रही हूँ, मैं ऊपर इसलिए डाल रही हूँ
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है एंड यश नहीं खा सकता ये, तो उसकी उसका जो स्लाइस होगा वो निकाल देता है ऊपर ही अगर है तो, ये इजी है दिखने के लिए। मैंने ऐसे बड़े बड़े वाले स्लाइसेस डाल दिए हैं इसके ऊपर। ये लीजिए, हमारा पिज्जा रेडी है, रेडी टू गो इन अवन, लुक्स डिलीशियस ऑलरेडी। और फिर सोचो कि ये से भी बना डालूँ, ये एक ही बचा हुआ है बेचारा, कब से 5 पीसेस थे, 4 हमने बनाए थे हम तीनों चारों के लिए, अर्नव ने भी ये बहुत अच्छे से खाया था। ये थोड़ा कड़क हो गया है, जब लाया था तब ये काफ़ी सॉफ्ट था। इसे आई थिंक माइक्रोवेव कर लेना चाहिए मुझे, माइक्रोवेव करने से कभी कभी कड़क भी हो जाता है, बस 9 सेकेंड्स के लिए मैं इसे माइक्रोवेव कर लूँगी। रैप ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ बना सकते हो, वेजी, नॉन वेज, चिकन वाला, मटन वाला, बहुत सारा चीज़ वाला, लेकिन मेरा जो स्पेशल है वो है जो भी लेफ्ट ओवर आपके पास बचा हुआ है सब कुछ इसमें डाल दो, वो वाला रैप बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली आज मेरे पास है ये एक बुर्जी जो थोड़ी सी लेफ्ट हुई है, तो इसे हम डालेंगे। पहले सबसे पहले मैं सॉस डाल लेती हूँ, तो चलिए सॉस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सिराचा मायो, काफ़ी अच्छा सॉस है ये। अगर आपके पास प्लेन मेयो है तो उसे आप डाल सकते हो ये, और फिर थोड़ी सी चिली डाल दे या फिर स्पाइस चटनी डाल दे, सेम हो जाएगा। ये डाल लिया है, फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड, यप। फिर हम डालेंगे, ये यश को अच्छी लगती है इसलिए बस स्पेशल में डाल रही हूँ, 3 चीज़ वाला रेंच। और फिर स्पाइसनेस के लिए मैं शेजवान चटनी यूज़ कर रही हूँ। ये डाल के बस मिक्स कर लेंगे सारी चटनियों को यहाँ पे, रप 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 स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड हो चुकी है, अब डालेंगे वेजीज। वेजीज में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले स्पिनच, अगर आपके पास लेटेस अवेलेबल हो तो वो ज़रूर डालें, अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल तो मैं बस स्पिनच डाल रही हूँ बहुत सारी। डालेंगे अनियन, हम इसमें डालेंगे मशरूम। ये अभी अभी मैंने चिकन का पिज़्ज़ा बनाया है सो वो मेरे पास चिकन थोड़ा सा अवेलेबल है तो मैं वो उस पीसेस डालूँगी, थोड़े से ही है। एक बुर्जी एर्बट मैं हाथों से ही डाल रही हूँ क्योंकि सब जगह स्प्रेड होनी चाहिए, बाद में हम हैंड वॉश कर लेंगे। हमारे पास जो लेफ्ट ओवर पुलाव है, पुलाव राइस, इसे थोड़ा सा डाल देते हैं। राइस बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप वाइट भी डालोगे सॉसेस के साथ सो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पुलाव है, मेरे पास पुलाव अवेलेबल है सो मैं ये डाल रही हूँ और ये भी अच्छा लगेगा। आई नो सारा कुछ रेडी हो गया है, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही, हाथों से ही बेस्ट है। अब मैंने इसे चारों तरफ से रैप कर लिया है, रैप तो पता ही होगा मैंने शूट नहीं ही किया उसे, और फिर मैं ये ग्रिलर के ऊपर मैंने इसे रख दिया है, और थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर से एंड बस थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए ग्रिल करना है। इस ग्रिलर में टाइमर नहीं है तो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द ग्रिल हो जाता है तो इसे मैं कर लूँगी 1 मिनट के लिए ग्रिल और फिर दिखाती हूँ आपको। तो सिचुएशन ये हो गई है कि पिज़्ज़ा तो कब का रेडी है लेकिन खाने वाले कोई नहीं है, यश बाहर प्ले करने गया है उसके फ्रेंड्स के साथ एंड हस्बैंड भी कुछ बिजी है गैराज में, कुछ कर रहे हैं उनके गाड़ी के साथ चल रहा है उनका। सो ठंडा देखिए, पिज़्ज़ा बिल्कुल ठंडा हो चुका है
लेकिन मुझे दिखाना था, तो मैंने सोचा कि मैं निकाल के बस दिखा दूँ आपको एंड कट्स करके रख दूँ, ताकि वो आने के बाद जब चाहे खा सकते हैं। जब गर्म था तो बहुत अच्छा लुक्स था इसका, अभी भी अच्छा है। आई मीन पिज़्ज़ा कटर से अच्छा है ना, मुझे ये अच्छा लगता है, ये चाकू से बहुत अच्छा कट हो जाता है, बहुत बड़ा चाकू है। या और ये हाँ, गर्म हो अगर है पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा कट होता है ये। अभी थोड़ा कड़क हो गया है, थोड़ा सा। तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर आप बेस घर में बना रहे हो तो ये सारी टॉपिंग बस आपको ऐड करनी है। मैंने बस बेस लाया है और ज़्यादा हमें पसंद नहीं है कि सॉस डाले, इसलिए मैंने सॉस भी नहीं डाला, चीज़ डाला है, इतनी सारी वेजिस डाली, आपने देखा ही होगा। तो बस एंजॉय करते हैं इसी को विद चाय की चुस्कियाँ। सो चाय भी मैंने रेडी कर ली है ऑलरेडी यहाँ पे, एंड पिज़्ज़ा को मैंने थोड़ा सा और गर्म कर लिया, फिर ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। इतने हैवी खाने के बाद थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट ज़रूरी है, सो हम निकले हैं बाहर एंड कहीं दूर ना जाके हमने सोचा सामने ही चलते हैं प्लेग्राउंड में, जहाँ पे बच्चे प्ले करेंगे और मैं थोड़ा सा वहीं पे वॉक कर लूँगी। और बहुत ही नज़दीक है क्योंकि आज वेदर भी बहुत अच्छा है, तो पार्क में भी जा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है कि सामने ही चलते जहाँ पे इतना अच्छा प्लेग्राउंड है। और आज तो बच्चे होंगे वहाँ पे, ऐसे बस सोचा मैंने, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। जब हम आए तब कोई नहीं था, बाद में यहाँ पे बच्चे आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे। तो जैसे जैसे ही थोड़े बच्चे दिखते हैं तो बच्चे आने लगते हैं, अगर कोई ना हो तो फिर बच्चा तो बोर ही होगा ना, एक अगर एक आध दो बच्चा हो। वैसे हमारे तो चिंगू मिंगू एक दूसरे के पीछे लगते हैं, और अर्नव तो यश के पीछे ही भागता रहता है, उसके लिए तो ये नया है प्लेग्राउंड, तो बस खेलने लगे वो लोग। और सामने ही थोड़ी सी जगह है, सो मैं वहीं पे थोड़ा सा अपना वॉक कर लूँगी। काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है ये, तो अगर आप आ जाओ बस बैठ जाओ, बच्चे आराम से यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा आराम से प्ले कर सकते हैं। और वैसे भी आज मुझे कोई रश नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा हल्का डिनर बनेगा, सो डिनर के लिए मुझे रश करके घर पे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सो दाल राइस ही बनाऊँगी,
उसके साथ कुछ खा लेंगे, पापड़ एंड अचार। तो अगर घर पे कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ पे बच्चों को खेलने लाती हूँ और आराम से बैठ जाती हूँ, और उनका भी टाइम अच्छा स्पेंड होता है। तो अभी बस डिनर कर लिया है एंड चलिए, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल की ब्लॉग में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप न्यू आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। ओह।